दोस्तों आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बोरेविया डुफेसा मतलब कि पुरनवा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं वाईके गुप्ता, आपका मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन 4U रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेविया डिफ्यूज़ा ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसे हम आम भाषा में पुनर्नवा भी बोलते हैं। और पुनर्नवा का उपयोग जो है हमारे आयुर्वेद में भी कई वर्षों से कई सालों से किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, चाहे वो किडनी डिजीज़ हो, चाहे वो लंग्स डिजीज़ हो, चाहे आपका वो कोई भी डिजीज़ हो, सूजन हो, उसमें जो है पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पुनर्नवा हमारे शरीर में असर कहाँ पर करती है, उसके बाद में इसके आपको लक्षण मतलब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हों जिसमें आपको पुनर्नवा को लेना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज़ में आप इसको ले सकते हैं और किस पोटेंसी में पुनर्नवा को लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसके एक्शन के बारे में। दोस्तों पुनर्नवा में है जो है कुछ नेचुरल केमिकल होते हैं, कुछ रोटोनाइट्स होते हैं, कुछ एल्कोलाइड्स होते हैं और कुछ एंटी बैक्टीरियल, कुछ एंटी फंगल केमिकल्स होते हैं। दोस्तों पुनर्नवा हमारे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो, चाहे वो आपका अगर आपका चेहरा सूज गया हो, खासकर आपके पैर अगर सूज गए हों, तो उसके लिए जो है सूजन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। अक्सर डायबिटीज़ और बीपी वाले जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, पुराने पेशेंट जो होते हैं, उनको सूजन आ जाती है पैरों में और एज फैक्टर के कारण भी पैरों में सूजन आ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों पुनर्नवा। पुनर्नवा हमारे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो, किसी भी कारण से हो, तो पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो पुनर्नवा हमारे लंग्स में भी असर करती है और ये अस्थमा को भी ठीक करती है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी जहरीले जानवर ने काट लिया है और उसके कारण अगर आपके पैरों में सूजन आ गई है, तो पुनर्नवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये थे इसके एक्शन, अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम मतलब लक्षण की तरफ। तो सबसे पहले सिर से चालू करते हैं दोस्तों। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और ख़ासकर राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द से जो है सर फटा जा रहा हो, इतना ज़्यादा सर फटा जा रहा हो कि अगर आप ठंडी चीज़ अप्लाई करते हैं तो आपको आराम महसूस होता है, तो इस केस में जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही साथ अगर आपको चक्कर भी आ रहे हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सिर से चलते हैं आप कफ़ की तरफ, खांसी की तरफ। तो सबसे पहले सर्दी है, उसके बाद सर्दी सूख गई है, उसके बाद कफ़ जो है वो अगर आपको निकल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा, अगर वाइट कफ निकल रहा है, थिक कफ निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों पुनर्नवा कफ के लिए। पुनर्नवा दोस्तों अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है और सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों उस केस में। अगर हमेशा आपको सीटी जैसी आवाज़ आती है अस्थमा के कारण, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। और वाइट और थिक कफ अगर निकलता है, वाइट और मोटा कफ निकले, सूखा सूखा से लगे, तो पुनर्नवा ज़रूर सोचना चाहिए और लेना चाहिए दोस्तों। दोस्तों कफ से चलते हैं हार्ट की तरफ, दिल की तरफ। अगर आपके दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा हो और धड़कन महसूस हो रही हो, बार बार पैल्पिटेट हो रहा हो, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों पुनर्नवा। पुनर्नवा अगर आपको घबराहट भी हो रही हो, तो उसके लिए भी, दर्द के साथ साथ जैसे आपको घबराहट भी होती है, तो उसके लिए भी आप पुनर्नवा को दोस्तों ज़रूर ले सकते हैं। तो पुनर्नवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस केस में भी। हार्ट से चलते हैं फिर लीवर की तरफ। तो पुनर्नवा जो है सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका जो लीवर है उसमें साइड में हल्का सा दर्द आपको महसूस होता है, तो इसमें कई बार क्या होता है, लीवर में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी ये दर्द महसूस होता है। तो अगर लीवर की साइड में हल्का हल्का सा दर्द होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है और फिर हो जाता है, तो अगर ये लक्षण है तो पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। जब आप लीवर के एरिया में छूते हैं तो दर्द होता है, लेकिन जब दबाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपको ये लक्षण है तो पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। पुनर्नवा स्वेलिंग मतलब सूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों अब चलते हैं सूजन की तरफ। तो अगर आपकी आँख जो में सूजन आ जाती है, ऊपर वाली पलक जो है उसमें सूजन आ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों पुनर्नवा। अगर आपका चेहरा सूज जाता है तो भी पुनर्नवा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो पुनर्नवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके पैरों में सूजन आए, चाहे वो चेहरों की सूजन हो, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों।
जिनको डायबिटीज़ और बीपी दोनों रहता है, इसमें से कोई भी अगर एक भी रहता है, जैसे बीपी बहुत ज़्यादा आता रहता है, किसी को डायबिटीज़ रहती है, तो उनकी मेडिसिन जो है वो चलती रहती है, इसी दौरान उनके पैरों में जो है सूजन आ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। एक एज के बाद कुछ एज फैक्टर भी होता है, जैसे ओल्ड एज पर्सनस को जो है बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ये बहुत ही आम समस्या है, तो इसमें भी पुनर्नवा जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन होती है तो पुनर्नवा को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब चलते हैं पेशाब की तरफ। तो अगर आपको पेशाब बहुत ज़्यादा कम लग रही हो, पेशाब बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब पीली है, और ज़्यादा पीली से भी बहुत ज़्यादा पीली हो, थोड़ा सा भूरापन भी अगर उसमें हो, महसूस हो रहा है, बिल्कुल डार्क पेशाब निकलती है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों पुनर्नवा। दोस्तों इस केस में भी आप पुनर्नवा को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में चलते हैं दर्द की तरफ दोस्तों। तो अगर आपको गठिया बात है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, तो पुनर्नवा लेने से जो है दर्द में भी आराम लगता है दोस्तों। दोस्तों ये थे इसके लक्षण पुनर्नवा के। अब चलते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में आप इसको लेना चाहिए। तो ब्रेविया डिफ्यूज़ा मतलब पुनर्नवा दोस्तों हमेशा मदर टिंचर में लेना चाहिए, इसका मदर टिंचर ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले बात करूँगा, अगर सूजन स्वेलिंग किसी भी एरिया में बॉडी के, चाहे वो फेस पर स्वेलिंग हो, पैरों पे स्वेलिंग हो, तो पुनर्नवा को आपको मदर टिंचर में यूज़ करना चाहिए। इसकी 30 से 40 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार आप लें तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। हाथों में जो है अगर सूजन हो, या पैरों में सूजन हो, चेहरे पे सूजन हो, तो कहीं पर भी सूजन हो, पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको कम से कम 4 से 5 बार इसको लेना चाहिए। जब आराम लगे तो आप उसको 3 बार कर दें, और फिर थोड़ा 1-1.5 महीने तक लेने के बाद आप उसको 2 बार भी ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों पुनर्नवा। तो दोस्तों अब चलते हैं दर्द की तरफ। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, दर्द के साथ ही साथ सूजन भी बहुत ज़्यादा है, तो पुनर्नवा मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब चलते हैं अस्थमा की तरफ। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो पुनर्नवा जो है मदर टिंचर 15 से 20 बूंद जो है आप आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं कफ की तरफ। अगर आपको खांसी है और खांसी में पुनर्नवा के लक्षण मिलते हैं, तो दिन में जो है आप इसको आधे कप पानी में 20 बूंद इसकी 3 से 4 बार पीजिए, तो खांसी सर्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं हार्ट की तरफ। अगर आपको दिल की समस्या है, दिल धड़कने की समस्या है, दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ है, ऐसे लक्षण मिलते हैं, तो भी पुनर्नवा आपको 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों लीवर की तरफ। अगर आपको जॉइंटिस है और सिरोसिस ऑफ लीवर है, तो पुनर्नवा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है। साथ ही साथ आप काल में एक चेलिडोनियम मैजस मदर टिंचर भी यूज़ करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके लिए भी आपको 20 बूंद जो है आधे कप पानी में दोनों की मिलाकर लेनी है, चिलीडोनियम और मिकाल मेक की, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, उसको भी आप मदर टिंचर में ही लीजिए। तीनों को बार बार बारी बारी से यूज़ कीजिए, या तीनों जैसे चिलीडोनियम और काल में उसको काल मेक को आप मिला के ले सकते हैं, और फिर पुनर्नवा को अलग से ले सकते हैं, तो तीनों को बारी बारी से यूज़ करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है पुनर्नवा जो है सूजन के लिए जो है, खासकर दोस्तों अगर आपके घर परिवार में किसी को भी सूजन होती है, तो पुनर्नवा को हमेशा, ब्रेविया डिफ्यूज़ा को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये सूजन के लिए। तो दोस्तों ये थे पुनर्नवा के लक्षण, साइन एंड सिम्टम, और किस किस बीमारी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक इंडियन मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, हमारे आयुर्वेद में भी कई सालों साल से यूज़ होती आ रही है। पुनर्नवा दोस्तों आपको होम्योपैथिक शॉप से आसानी से मिल जाएगा, और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, काफ़ी चीप है। SBL में लेंगे तो 100 रुपये के आसपास इसका मदर टिंचर है, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड, तो आप चैनल HM4U रुड़की में जाकर अपने डिज़ीज़ से रिलेटेड वीडियो को सर्च कर सकते हैं। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं दोस्तों, या आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
जो भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।